हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं शॉर्ट से रिलेटेड एक आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। आपने देखा होगा कि यूट्यूब ने नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, ये सबको पता है, मुझे मालूम है। लेकिन बहुत से लोगों ने अभी इस पे वीडियो बनाई है कि आपने देखा होगा जब वीडियो को आप अपलोड करने वाले होते हैं, जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे आप वीडियो को शेड्यूल कर सकते हैं या वीडियो को करंटली पब्लिक करके आप उसको तुरंत अपलोड कर सकते हैं, वहीं पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे इस वक्त प्रीमियर का। तो प्रीमियर ऑप्शन पे जब टिक करते हैं तो क्या होता है, प्रीमियर जब हम लोग टिक करते हैं तो उस पे क्या होता है, जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, जितने भी व्यूअर्स होते हैं, उनके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि वीडियो अपलोड होने वाली है, ये वीडियो है। तो उसके बाद 2 मिनट बाद ही वो वीडियो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाती है। लेकिन ये ऑप्शन नॉर्मल वीडियो के लिए था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोगों को ये पता था ये ऑप्शन के बारे में, तो वो अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एज अ शॉर्ट लिखना ही कंपलसरी है अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके बाद एंड में आके वो पब्लिक या शेड्यूल करके इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं प्रीमियर वाले। तो होता क्या है, नोटिफिकेशन चले जाते हैं, नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटिफिकेशन सेंड होते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो एज अ शॉर्ट वीडियो नहीं अपलोड होती, एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड होती है। आप अपने मोबाइल में चेक करेंगे तो वो शॉर्ट्स बीटा सेक्शन में वीडियो नहीं आएगी। आज इसी के ऊपर मैं पूरा आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, जिसके लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, ये जो डेमो है मैं बार बार उसको करता हूँ, डिलीट करता हूँ, और आप अपने जो लाइव चैनल है जिस पर रेगुलर वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप जब भी शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हैं तो आप चाहते हैं वो शॉर्ट सेक्शंस में जाए, जिससे YouTube के ऊपर जो शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं लोग उनको उस सेक्शन में आपकी वीडियो दिखे। लेकिन अगर आपकी वीडियो नॉर्मल तरीके से अपलोड हो जाती है इस गलती की वजह से, या और भी गलती है जिसको मैंने आई बटन पे पहले ही बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं, तो इसमें होता क्या है, आप या तो उस वीडियो को प्राइवेट करते हैं और या तो फिर जल्दी से उस वीडियो को डिलीट करते हैं कि कोई देख ना ले, क्योंकि वो एज अ नॉर्मल वीडियो दिख रही है। तो ये ना हो कि आपकी शॉर्ट्स वीडियो एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड होने लगे, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन भेजे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें और आपकी वीडियो वायरल हो। लेकिन जब आपकी वीडियो एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड होगी तो वो शॉर्ट्स के सेक्शन में आएगी नहीं और ना वायरल होगी। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको लाइव चल के दिखाता हूँ। मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने एज अ शॉर्ट अपलोड करी है, जो मेरे मोबाइल के शॉर्ट बीटा सेक्शन में दिख रही है। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और अपलोड करूंगा जो कि सेम वीडियो ही होगी, कंटेंट थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन लास्ट में उस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है मैं पब्लिक या शेड्यूल ऑप्शन में से वहां जो प्रीमियर का ऑप्शन है मैं उसको टिक कर दूंगा। तो प्रीमियर टिक करने के बाद वो मेरे शॉर्ट बीटा सेक्शन में नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, पहले लैपटॉप की स्क्रीन देखेंगे, फिर मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन भी दिखाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट्स बीटा सेक्शन में वीडियो को दिखाऊंगा। तो आप youtube.com पे आएंगे, आप देख सकते हैं ये मेरा जो मैं अकाउंट आपको जिसमें से बताऊंगा डिलीट करके बना के प्रीमियर शो करके, ये एक डेमो अकाउंट है। तो आप अपने ओरिजिनल अकाउंट में जिसमें यूज़ करते हैं, वीडियोज़ के रेगुलरली अपलोड करते हैं, उस अकाउंट में आप इस तरह से मत करा करिए कि अपलोड करिए, चेक करिए, डेमो करिए या किसी तरह की R&D करिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी मोनेटाइजेशन में, या फिर अगर मोनेटाइजेशन ऑन है तो हो सकता है कि बंद कर दिया जाए बार बार अगर आप वीडियो इस तरह से अपने अकाउंट में डेमो करते हैं या डिलीट करते हैं। तो चलिए, यहाँ आपको बताना था कि प्रीमियर करने से क्या होगा। तो वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए पहले से ही मैंने एक नॉर्मल वीडियो मतलब एक शॉर्ट्स को अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे जब आएंगे क्रिएटर स्टूडियो पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा एक डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने वीडियो बना के एज अ शॉर्ट्स अपलोड कर दी है वो मेरे मोबाइल में शॉर्ट्स बीटा सेक्शन में दिखती है। तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं टाइटल इसका, मैं होवर करूँगा तो हट जाएगा, तो यहाँ पर मैं ऊपर इसको कर्सर ले जाता हूँ। अब आप पढ़ सकते हैं कर्सर के नीचे IAM #1 #shorts करके लिखा है, ये टाइटल है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हैं IAM #1 #short। तो ये मैंने अपलोड करा था अभी, और इसको विदाउट प्रीमियर करा था, ये नॉर्मली अपलोड हो गया है। लेकिन मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी थी जिसपे लोगों का सजेशंस था कि आप प्रीमियर करिए, और नोटिफिकेशंस के चक्कर में लोग प्रीमियर करके अपनी शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही, एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड हो जा रही है। रीज़न क्या है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वीडियो है। अब मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ये दिखा दे रहा हूँ, जो शॉर्ट्स है ये मेरे शॉर्ट्स बीटा के सेक्शन में मोबाइल में दिख रही है। तो पहले मैं आपको अपने मोबाइल पे ले चल के ये वीडियो को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वीडियो को अपलोड करूँगा, शॉर्ट वीडियो को अपलोड करूँगा, इसी सेम वीडियो को अपलोड करूँगा,
और आपको ये भी प्ले करके भी दिखा दूंगा कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सेम वीडियो है। आप यहाँ पे वीडियो का लेंथ का टाइम देख सकते हैं, 25 सेकंड यहाँ शो हो रहा है। सेम वीडियो को मैं अपलोड करूँगा लेकिन उसको लास्ट में मैं प्रीमियर कर दूंगा, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि जब मोबाइल में दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा तो वो मोबाइल में शॉर्ट्स बीटा के सेक्शन में नहीं आएगी, एज अ नॉर्मल वीडियो में चली जाएगी। तो चलिए मैं आपको पहले मोबाइल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि शॉर्ट्स बीटा सेक्शन में सिर्फ मेरी एक ये वीडियो पड़ी हुई है और एक ये नॉर्मल वीडियो मेरी नॉर्मल में पड़ी हुई है। तो आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैं YouTube को ओपन करता हूँ, उसके बाद आप चैनल देख सकते हैं जो सेम चैनल है जिस पे मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप ये उसका आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ यो चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ शॉर्ट्स की वीडियो दिख जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट्स के लिए सिर्फ एक वीडियो आ रही है जो मैंने पहले अपलोड करी थी, और उसका जो टाइटल है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं क्लोज कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो आप देखिए पढ़ सकते हैं लिखा आई एम नंबर वन शॉर्ट्स। अब मैं आपको एक और शॉर्ट्स की वीडियो अपलोड करूँगा जो कि सेम होगी जैसा मैंने आपको बताया है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो जो है नॉर्मल वीडियो के सेक्शन में चली जाएगी। तो मैं अब आपको वो वीडियो अपलोड करके फिर से यहाँ पे चैनल पे आके आपको दिखाता हूँ, अगर आप प्रीमियर करके शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो एज अ नॉर्मल वीडियो ट्रीट होगी, आपके शॉर्ट्स सेक्शंस में नहीं जाएगी, लोगों को शॉर्ट्स में नहीं दिखेगी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि मेरे शॉर्ट्स बीटा में सिर्फ एक वीडियो पड़ी हुई है, ये वाली। आपने टाइटल भी देख लिया, आई एम नंबर वन हैशटैग शॉर्ट्स पड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो थोड़ी सी प्ले करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आप श्योर हो जाए कि मैं दोबारा से यही वीडियो को अपलोड करूंगा लेकिन टाइटल को थोड़ा सा बदल दूंगा जिससे आप चेक कर सके, और लास्ट में प्रीमियर करके दिखाऊंगा तो ये शॉर्ट सेक्शन में नहीं आएगी। तो यहाँ पे वीडियो प्ले करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ी सी वीडियो प्ले हो जाए बस आपको दिखाने के लिए, यहाँ म्यूजिक ऑफ है तो आप वीडियो को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये वीडियो है। अब जो मैं अपलोड करूंगा उसको भी आप चेक कर सकते हैं, सेम वीडियो को मैं अपलोड करूंगा, सेम टाइमिंग होगी। तो ये वीडियो है, अब ज़्यादा देर इसको प्ले नहीं करते हैं, वीडियो को छोटा ही रखना है, तो इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब बैक करने पे यहाँ पे आ गए। अब शॉर्ट्स वीडियो को आप चाहे मोबाइल के शॉर्ट सेक्शन से अपलोड करें या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से अपलोड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शॉर्ट्स मोबाइल से कैसे अपलोड करते हैं और क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसकी वीडियो आई बटन पे मैंने दे दी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो वो फीचर्स अगर आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से अपलोड करेंगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आज बात करते हैं, क्योंकि प्रीमियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो बाकी चीज़ों को कवर नहीं करते। ये क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सिर्फ एक वीडियो है याली आई एम नंबर वन, तो उसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये वीडियो अपलोड होने लग गई। अब यहाँ पे टाइटल जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आप श्योर हो जाएं कि वीडियो तो सेम मिल रही है लेकिन टाइटल अलग अलग है, जिससे आप जब मैं शॉर्ट्स बीटा के सेक्शन में दिखाऊं तो आपको कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में मैंने प्रीमियर नंबर वन शॉर्ट्स लिख दिया है और यहाँ लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में न्यू प्रीमियर नंबर वन शॉर्ट्स। बाकी चीज़ों को यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, जैसे थंबनेल है, थंबनेल आप कोई भी वीडियो जो अपलोड हो रही है 95% हो जाए, आपकी वीडियो यहाँ प्रोसेसिंग वीडियो की जगह पे दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो स्नैपशॉट आपको दिया जा रहा है, थंबनेल का सजेशन दिया जा रहा है, आप उसी में से एक सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपको ये पता है कि YouTube में अब जब थंबनेल लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो हट जाता है, या थंबनेल की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि थंबनेल का जो रेजोल्यूशन होता है वो 19.6 से ज़्यादा का होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मैं लास्ट वाला थंबनेल का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, अगर आप प्लेलिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे लगा के सेलेक्ट करके डन कर लेंगे। प्लेलिस्ट आपको बनानी चाहिए, प्लेलिस्ट से रिलेटेड भी वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, कैसे बनाना है, किस काम में आता है प्लेलिस्ट, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा वीडियो किड्स की है, नॉन किड्स की है, आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। एज रिस्ट्रिक्शन आता है, स्क्रॉल करेंगे, ये मेरा टिक है। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टैग्स हैं, तो टैग्स में मैं नॉर्मली बस शॉर्ट्स लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको वीडियो समझाने के लिए है याली। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग डेट, लोकेशन, ये सब अपडेट करते हैं चीज़ें तो अपडेट करेंगे, और ये आप सब और ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। फिर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट का बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आई कार्ड्स और ये सब शॉर्ट वीडियो पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कॉपीराइट इशू नहीं है, अब यहाँ फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट्स की तरह से दिख रही है, जिस तरह से होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन है, लेकिन ये अपलोड नहीं होगी शॉर्ट सेक्शंस में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक पब्लिक मिलता है, जब पब्लिक पे टिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है सेट एज अ प्रीमियर। अब प्रीमियर बनाया गया था नॉर्मल वीडियो को प्रीमियर करने के लिए, कि अगर कोई वीडियो को अपलोड करता है तो दो मिनट पहले लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए जिससे वीडियो अपलोड होने वाली है और वो उसको देख सके, जिसे कहते हैं इंडिया में जुगाड़ कि नोटिफिकेशन जाता है। तो शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में टाइटल आपको और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट टैग लिखना होता है, तो ये अब मैच करके एल्गोरिथम के थ्रू यूट्यूब अब इसे एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड कर देता है।
तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये एज अ प्रीमियर वीडियो बन जाती है। 2 मिनट पहले ही इसके नोटिफिकेशंस जाने चाहिए सबके पास, तो नोटिफिकेशंस तो इसके जाएंगे सबके पास, लेकिन ये वीडियो एज अ शॉर्ट्स अपलोड नहीं होगी। और दूसरा ऑप्शन जो है शेड्यूल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एक डेट और एक टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी सेट एज अ प्रीमियर कर सकते हैं। तो उस दिन जो भी आप डे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव एज पब्लिश करते हैं तुरंत पब्लिश करने के लिए, और सेट एज अ इंस्टेंट प्रीमियर में ये ऑटोमेटिकली करंट डेट एंड टाइम आपके सिस्टम से उठा लेता है। तो देखिए, मैंने नॉर्मल वीडियो सेम शॉर्ट वीडियो दोबारा से अपलोड करी, बस पब्लिक में यहाँ पे सेट एज अ इंस्टेंट प्रीमियर को टिक करा है। अब यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और फिर आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में दिखाऊंगा कि ये जो वीडियो है ये शॉर्ट सेक्शन में नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं इसी तरह से, आप दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, दोनों का लुक सेम है। इसमें मैंने थंबनेल फर्स्ट स्क्रीन का सेलेक्ट करा था, इसमें मैंने थर्ड स्क्रीन का करा है, प्रीमियर यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, अभी विजिबिलिटी प्रीमियर पे है। तो मैं 2 से 4 मिनट हो जाता हूँ, उसके बाद आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ, जिससे जो मोबाइल में है अगर मान लीजिए मैं तुरंत यहाँ भी शो करता हूँ तो ये हो सकता है कि अभी रिफ्रेश ना हुआ हो। इस वजह से मैं आपको 2 से 4 या 5 मिनट बाद दिखाऊंगा मोबाइल की स्क्रीन, जिससे आपको शो हो जाए कि हाँ इतनी देर बाद भी ये यूट्यूब सेक्शन में या कह सकते हैं यूट्यूब के शॉर्ट सेक्शन में नहीं जाएगी। तो एक बार यहाँ से प्रीमियरिंग जो हो रही है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखाता हूँ। तो इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये देखिए रिफ्रेश करा, अब ये पब्लिक हो गई है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ यूट्यूब के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रीमियर वीडियो कहाँ पे आई है, यूट्यूब शॉर्ट्स में आई है ना नॉर्मल में आई है। उसके बाद आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे और आपका जो चैनल है यो चैनल पे क्लिक करेंगे। तो आप जब भी कभी वीडियो अपलोड करेंगे शॉर्ट्स की, एक बार इस तरह से ज़रूर चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले दिखाई थी, और ये देखिए शॉर्ट्स सेक्शन में सिर्फ अभी भी वही एक पहली वाली वीडियो आ रही है, और जो मैंने अभी अपलोड करी आपके सामने, देखिए अभी सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। और मैंने ये टाइम इसलिए लिया है, मैं आपको तुरंत दिखा सकता था कि कभी कभी होता है लोगों को लगता है कि थोड़ी देर बाद शॉर्ट सेक्शन में वीडियो आ जाएगी और यहाँ पे आके बार बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जितनी बार भी आप चाहे रिफ्रेश कर लीजिए, मैंने भी यहाँ 2-3 बार रिफ्रेश कराए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप प्रीमियर एक बार टिक कर देंगे वीडियो को तो ये अब वीडियो एज अ नॉर्मल वीडियो की तरह ट्रीट होती है। और देखिए मेरी जो दूसरी वीडियो थी यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी, अब ये दोनों वीडियो एज अ नॉर्मल है। और जो YouTube शॉर्ट सेक्शन में है वो सिर्फ वाली वीडियो है जिसको मैंने सिर्फ पब्लिक लिस्ट करके अपलोड करा था और जिसमें मैंने प्रीमियर सेक्शन को सेलेक्ट नहीं करा था। तो ये अपडेट थी, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हैं क्योंकि कई लोगों ने वीडियो बना रखी है कि नोटिफिकेशन आएगा शॉर्ट्स अगर आप ऐसे अपलोड करेंगे, तो नोटिफिकेशन जाता है नो डाउट, लेकिन फिर वो वीडियो आपकी शॉर्ट सेक्शन में भी नहीं आएगी, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने दोनों ही स्क्रीन देख ली, लैपटॉप स्क्रीन पे भी देख लिया कि मैंने क्या क्या करा, कहाँ पे टिक करा, और आपको मैंने मोबाइल में भी दिखा दिया कि शॉर्ट बीटा सेक्शन में प्रीमियर करी हुई वीडियो नहीं आती है। तो अगर आपने 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी है तो हो सकता है वो आ गई हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे आप लैपटॉप से शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें, चाहे आप मोबाइल से अपलोड करें, अगर आपने प्रीमियर टिक कर दिया तो यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी लग गई है कि क्योंकि आपको शॉर्ट अपलोड करना है तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग शॉर्ट जरूर लिखेंगे, उसके बाद आप लास्ट में आके नोटिफिकेशन के चक्कर में टिक करेंगे तो वो एज अ नॉर्मल वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अब आप ये गलती ना करिएगा। और शॉर्ट्स से रिलेटेड मेरी और वीडियोज़ भी हैं जो कि मैंने आई बटन पर दे रखी है, आप उसको चाहे तो एक बार देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।